हमने एक जेम योजना बनाई है, जेएएम, जनधन आधार मोबाइल। बैंक में जनधन अकाउंट, आधार यूनिक आइडेंटिटी कार्ड और एम मोबाइल। हमने जो गैस सब्सिडी जाती थी उनको आधार कार्ड से जोड़ दिया। और दूसरा किया कि हम एक गैस सिलेंडर बेचने वालों को सब्सिडी नहीं देंगे, जो गैस लेता है उसके खाते में सीधी सब्सिडी जमा करेंगे। बाजार में जाकर के उसको जो दाम है वो देना है देगा, लेकिन उसके सब्सिडी उसके खाते में जाएगी। इसका परिणाम ये आया कि पहले जो सरकारी खजाने से सब्सिडी जाती थी उसमें से करीब 3-4 करोड़ लोग पता ही नहीं चला वो पैदा हुए थे कि नहीं हुए थे। नहीं, सब्सिडी जाती थी। आपको जानकर के हैरानी होगी, करीब करीब 14-15 हजार करोड़ रुपए की चोरी बड़ी आराम से हो रही थी, बंद हो गई। और एक बार की नहीं, हर वर्ष होता था इतना। इतने सालों में कितना गया होगा, अब मुझे बताइए। मोदी ऐसा करेगा तो मोदी को परेशानी होगी कि नहीं होगी? इसके कारण कुछ लोग तो होंगे जिसका नुकसान हुआ होगा, वो चुप बैठेंगे क्या? और इतना खाया होगा तो उनकी चिल्लाने की ताकत भी तो ज्यादा होगी, इसलिए वो चारों तरफ बोल रहे हैं मोदी बेकार है, मोदी कुछ नहीं करता, मोदी कुछ नहीं करता, ये सुनने को मिलेगा। बहुत स्वाभाविक है कि सालों से इस प्रकार की मलाई खाने की आदत वाले लोग हैं, उनकी जरा हालत बहुत खस्ता है। मैंने यूरिया का बताया, ये यूरिया उत्पादन तो ज्यादा हुआ ही हुआ, लेकिन हमारे देश में किसानों को यूरिया में बहुत सब्सिडी दी जाती है। साल की करीब 80,000 करोड़ रुपया किसानों को यूरिया सब्सिडी में जाता है, लेकिन ये यूरिया खेत में पहुंचता है क्या? यूरिया केमिकल फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल होता है। अब उनको सब्सिडी वाला सस्ते में यूरिया मिले तो उसकी जो केमिकल प्रोडक्ट है वो सस्ते में तैयार होगी तो उसको मुनाफा ज्यादा होगा, और इसलिए उनकी सांठगांठ रहती थी। कारखाने से यूरिया निकलता था खेत में जाने के लिए, लेकिन जाता था केमिकल के कारखाने में, और सरकार की सब्सिडी जाती थी। हमने एक काम किया, हमने यूरिया का नीम कोटिंग किया। हमारे यहां जो नीम के पेड़ होते हैं उसकी जो फली होती है उसका ऑयल निकाल करके यूरिया पर उसका कोटिंग किया। इसके कारण यूरिया में एक एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल वैल्यू हो गई और वो जमीन के लिए बड़ा फायदा देने वाली हो गई। अगर रूटीन में 10 केजी यूरिया उपयोग करते हैं लेकिन नीम कोटिंग वाला है तो 7 केजी से चल जाता है, जमीन का भी भला होता है। लेकिन उसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि नीम कोटिंग वाला यूरिया इसके सिवाय किसी काम नहीं आ सकता है। और परिणाम यह हुआ कि ये जो यूरिया केमिकल फैक्ट्रियों में जाता था वो बंद हो गया, वो किसान के खेत में जाने लग गया। और परिणाम ये आएगा, अभी उसका हिसाब निकल रहा है, हजारों करोड़ रुपए की चोरी बंद हो जाएगी। और आप सुन लीजिए, अगर मोदी के खिलाफ जोर से कोई आवाज आई है तो समझ लेना कि मोदी ने कहीं चाबी टाइट की है, ये मान के चल रहा है। आवाज जितनी जोर से आ जाए मेरे खिलाफ तो समझ लेना कि दाल में कुछ, कभी कभी तो पूरी दाल काली नजर आती है।